हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। मैं यूट्यूब चैनल रोशनी की पाठशाला। तो आज के इस वीडियो में लेकर आई हूँ आपके लिए छत्तीसगढ़ सहकारी बैंक भर्ती परीक्षा 2023 का जो है मॉडल पेपर 3। अगर आपने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखा है तो जाकर प्लेलिस्ट में जरूर देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट जो है छत्तीसगढ़ सहकारी बैंक भर्ती परीक्षा के नाम पर बनाया गया है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। डब्ल्यू एम वी विस्तार है, तो डब्ल्यू एम वी का विस्तार क्या है, यानी कि इसका फुल फॉर्म क्या है? विंडोज मीडिया वीडियो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह निम्न स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा का अनुवादक है। तो निम्न स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा को उच्च स्तरीय भाषा में, यानी कि मशीन लैंग्वेज में कौन ट्रांसलेट करता है, कौन अनुवाद करता है? असेंबलर करता है, ठीक है, असेंबलर करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, असेंबलर। असेंबलर एक जो है एक सॉफ्टवेयर है जो असेंबली भाषा को मशीन भाषा में जो है बदलता है। एक कंप्यूटर से जो है कमांड लेता है और बाइनरी कोड में परिवर्तित कर देता है, फिर जिसका प्रयोग जो है कंप्यूटर का प्रोसेसर अपने कार्यों के लिए करता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में खालिस्तान बटन दबाने पर गो टू डायलॉग बॉक्स खुलता है। तो एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में कौन सा बटन दबाने पर जो है गो टू डायलॉग बॉक्स खुलता है? F5, ठीक है। F5 बटन दबाने पर जो है गो टू डायलॉग बॉक्स खुलता है एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में। F5 का और भी काम होता है, जैसे कि कुछ सॉफ्टवेयर है या विंडोज़ को ही जो है रिफ्रेश करने का भी काम करता है F5 बटन, ठीक है। F5 बटन क्या है? फंक्शंस की है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, कंप्यूटर वायरस खालिस्तान है। तो कंप्यूटर वायरस क्या होता है? कंप्यूटर वायरस जो है कंप्यूटर प्रोग्राम होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा परम सुपर श्रेणी कंप्यूटर श्रेणी का सदस्य नहीं है, यानी कि परम सुपर कंप्यूटर श्रेणी का सदस्य नहीं है? तो कौन सा नहीं है? परम क्रांति नहीं है, ठीक है, परम क्रांति नहीं है। जैसे कि आप देख सकते हैं पिक्चर्स में, सुपर कंप्यूटर जो है सबसे बड़ा कंप्यूटर होता है। परम सुपर कंप्यूटर बनाने का श्रेय जो है विजय श्री भाटकर को जाता है। उन्होंने जो है पहला भारतीय सुपर कंप्यूटर परम 8000, ठीक है, ये प्रथम भारतीय सुपर कंप्यूटर था। किसके द्वारा बनाया गया था? विजय श्री भाटकर के द्वारा बनाया गया था 1991 में, ठीक है। पहला सुपर कंप्यूटर है, याद रखना, और सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर होता है, ठीक है, और बहुत स्पीड में जो है प्रोसेस करता है सुपर कंप्यूटर, और आकार में भी बड़ा होता है, याद रखना। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, बीट्स का तात्पर्य होता है। तो बीट्स का तात्पर्य क्या होता है? बीट्स का तात्पर्य है, देखो, बीट जो है दो शब्दों से मिलकर बना होता है, बाइनरी, ठीक है, बाइनरी का BI लिया जाता है और डिजिट का T लिया गया है, ठीक है। तो बाइनरी और डिजिट को मिलाकर जो है बीट कहा जाता है, ठीक है। तो बाइनरी का संक्षिप्त रूप जो है क्या है? बीट है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बाइनरी डिजिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एंटीवायरस है? तो एंटीवायरस कौन सा है? देखो, एवेस्ट जो है ए भी जो है एंटीवायरस है, ए वी जी भी जो है एंटीवायरस गार्ड है, इसका फुल फॉर्म एंटीवायरस गार्ड है। तो ये भी जो है एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। और नॉर्टन जो है ये भी एक एंटीवायरस प्रोग्राम है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी जो है एंटीवायरस है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा प्रिंटर आमतौर पर डेस्कटॉप पब्लिकेशन हेतु उपयोग में लाया जाता है? तो डेस्कटॉप एप्लीकेशन के लिए जो है
कौन सा प्रिंटर लाया जाता है आमतौर पर? लेजर प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है। आप कहीं भी जाते हैं तो ये प्रिंटर हमेशा देखने को मिलता है, ठीक है, जिसमें जो है लेजर बीम का जो है प्रयोग किया जाता है प्रिंटिंग के लिए, ठीक है। इस प्रिंटर में जो है लेजर बीम का प्रयोग किया जाता है प्रिंटिंग के लिए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, निम्न में से किसने 3D प्रिंटिंग तकनीकी का आविष्कार किया है? तो 3D प्रिंटिंग तकनीकी का आविष्कार किसने किया है? चार्ल्स हुल ने किया है। कब किया है? 1983 में किया है, ठीक है, इसका आविष्कार 3D प्रिंटिंग का किसने किया है? चार्ल्स हुल ने 1983 में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अबेकस ग्रीक शब्द खालिस्तान से प्राप्त किया गया है। तो अबेकस ग्रीक शब्द है, ग्रीक शब्द कौन से शब्द से लिया गया है? एबेक्स से लिया गया है, ठीक है, एबेक्स से लिया गया है। और नेक्स्ट हम देख लेते हैं, अच्छा ठीक है, एबेकस जो है, ठीक है, वो पहला कैलकुलेशन मेथड था, ठीक है, जो कि टीम क्रैनमर द्वारा दिया गया था, ठीक है, किसके द्वारा? टीम क्रैनमर द्वारा विकसित किया गया था एबेकस। नेक्स्ट है, जंक ईमेल को कहा जाता है, तो जंक ईमेल को क्या कहा जाता है? सभी को पता होगा, मोबाइल से भी जो है स्पैम में जाता है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जंक ईमेल को क्या कहा जाता है? स्पैम कहा जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, सर्च इंजन से प्राप्त कर सकते हैं, तो सर्च इंजन से क्या प्राप्त कर सकते हैं? तो सर्च इंजन से जो है वीडियोस, इमेज, डॉक्यूमेंट्स, ये सभी चीज़ें जो हैं सर्च इंजन से प्राप्त कर सकते हैं। सर्च इंजन के कुछ एग्जाम्पल हैं जैसे कि गूगल है, याहू है, बिंग है, और बायडू, और जो है डक डक गो, ये जो है बहुत पॉपुलरली जो है यूज़ किया जाता है इन जो कि मैंने बताया अभी सर्च इंजन्स के एग्जाम्पल, उन सभी को जो है बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ठीक है, जिसमें से सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है गूगल याहू, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, SEO का विस्तार है, तो SEO का विस्तार क्या है? तो SEO का विस्तार है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। SEO यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो है अपने कंटेंट को, यानी कि हम जो सर्च करते हैं गूगल में, ठीक है, हम किसी भी तरीके से सर्च करते हैं जो हम मन में आया, ठीक है, अपने भाषा में, तो वो क्या करता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, वो जो है गूगल में सर्च करने के लिए टाइप करते हैं जो, उसको जो है गूगल जैसे कि जो है वो समझ पाए, उसके लिए जो है अनुकूल बनाता है, इजी बनाता है उस वर्ड को, ताकि हमको आउटपुट जो हम चाहते हैं वो मिल पाए, ठीक है। तो उसको जो है गूगल जो समझ पाए उसमें जो है कन्वर्ट करता है हम जो टाइप करते हैं सर्च इंजन पे, ठीक है, यानी कि अनुकूल बनाता है, इजी बनाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा भंडारण माध्यम 25 GB से अधिक डाटा का भंडार कर सकता है? तो कौन सा है? ब्लू रे डिस्क, ठीक है, वो 25 GB पर लेयर जो कि स्टोर करता है, ठीक है, और फ्लॉपी डिस्क का स्टोरेज कैपेसिटी होता है 1.44 MB होता है, ठीक है, और डीवीडी का कितना होता है कैपेसिटी, स्टोरेज कैपेसिटी 8.5 GB होता है, ठीक है। वहीं सीडी का जो है होता है स्टोरेज कैपेसिटी 700 MB, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, एक कंप्यूटर प्रोग्राम 0 एवं 1 की लंबी श्रेणी में बनाया गया है, इस प्रोग्राम को कहते हैं, तो इस प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? मशीन लैंग्वेज कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा स्टोरेज मीडिया सूचित अनुक्रम अधिगम प्रदान करता है? तो कौन सा स्टोरेज मीडिया जो है सिक्वेंशियल एक्सेस प्रदान करता है? मैग्नेटिक टेप,
ठीक है। मैग्नेटिक टेप जो है सिक्वेंशियली एक्सेस हमको प्रदान करता है, स्टोरेज मीडिया है एक, ठीक है, मैग्नेटिक टेप। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, क्विक टाइम फॉर्मेट खालिस्तान के द्वारा विकसित किया गया था। तो किसके द्वारा विकसित किया गया था क्विक टाइम फॉर्मेट? तो एप्पल के द्वारा विकसित किया गया था। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है? तो कौन सा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो लिनक्स जो है एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। खालिस्तान कंप्यूटर पर गेम खेलना आसान बनाता है। तो जोएस्टिक जो है कंप्यूटर पर गेम खेलना आसान बना सकता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, जो है जोएस्टिक है कुछ इस टाइप से दिखता है, उसमें बटन्स होते हैं और ये जो है हैंडल होता है, स्टिक होता है और उसमें भी जो है बटन होता है, ठीक है, तो उससे जो है गेम खेलना आसान हो जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, इंकजेट प्रिंटर के मूल रंगों के कॉटिजों की संख्या होती है। तो कितनी संख्या होती है रंगों में, यानी कि इंकजेट प्रिंटर में मूल रंगों की संख्या कितनी होती है? तो चार होती है इंकजेट प्रिंटर में रंगों की संख्या, ठीक है। कौन कौन सी? एक स्याही कलर होती है, येलो कलर होती है और ब्लैक कलर, और जो कि मैजेंटा कलर यानी कि पिंक पर्पल टाइप कलर होता है, ठीक है, ये चार कलर होते हैं इंकजेट प्रिंटर में। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है इसमें? देखो, डिलीट फाइल रिसाइकल बिन से स्टोर हो सकती है, तो ये जो है रिसाइकल बिन से स्टोर भी किया जा सकता है, इसलिए जो है वो रिसाइकल बिन में चला जाता है कि ताकि गलती से अगर हो जाता है डिलीट, ताकि उसको रिस्टोर कर सके, ठीक है। तो ये बात, ये कथन जो है ये सही है। और फाइल को रिसाइकल बिन में भेजने पर डिस्क में फ्री स्पेस रिस्टोर हो सकता है। तो ये जो है फ्री स्पेस नहीं बनता है, क्योंकि वो रिसाइकल बिन में रहता ही है ना, वो जितना फाइल जो कि घेरता है उस उतना ही जो है रिसाइकल बिन में ही वो घेरता है, ठीक है, स्टोरेज कैपेसिटी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ठीक है, यानी कि क्या बोल रहा है, फाइलों को रिसाइकल बिन में भेजने पर डिस्क में फ्री स्पेस स्टोरेज होता है। नहीं, नहीं होता है, ठीक है, डिस्क में फ्री स्पेस नहीं होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, फॉग है, तो फॉग क्या है भाई? फॉग जो है नई प्रक्रिया का बनना है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, बाई डिफॉल्ट किस पन्ने पर हेडर या फुटर प्रिंटेड रहता है? तो बाई डिफॉल्ट किस पन्ने पर हेडर या फुटर प्रिंटेड रहता है? तो हेडर फुटर जो है लगभग सभी पन्ने में जो है देखने को मिलते हैं, ठीक है, हर पन्ने में हेडर और फुटर रहते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, स्लाइड शो देखने के लिए कीबोर्ड का कौन सा फंक्शन की उपयोग होता है? तो कौन सा फंक्शंस की उपयोग किया जाता है स्लाइड शो देखने के लिए? F5 बटन, ठीक है, F5 बटन। देखो, स्लाइड शो में तो यानी कि पावर पॉइंट में F5 का बटन, F5 बटन का यूज किस लिए हो रहा है? स्लाइड शो के लिए हो रहा है। और MS वर्ड में किस लिए हो रहा है? उसमें जो है F5 बटन को प्रेस कर रहे हैं तब जो है गो टू डायलॉग बॉक्स ओपन हो रहा है, ठीक है। और ये तीसरा काम जो है क्या होता है, जब विंडोज या किसी एप्लीकेशन को जो है रिफ्रेश करने के लिए जो है F5 बटन का यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, कौन सा ईमेल पता का भाग नहीं हो सकता है? कौन सा ईमेल पता का यानी कि ईमेल एड्रेस का भाग नहीं हो सकता है? तो ये भी होता है, ये भी होता है, स्पेस जो है स्पेस नहीं लगता है, ठीक है, ईमेल एड्रेस में। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी है, उसमें स्पेस नहीं होता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, याहू गूगल और MSN है, तो याहू गूगल और MSN क्या है? एक जो है इंटरनेट साइट है, ठीक है, यानी कि सर्च इंजन है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ई, इंटरनेट साइट है, ठीक है, याहू गूगल MSN।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। जीमेल द्वारा भेजी जा सकने वाली एक फाइल की अधिकतम क्षमता क्या है, यानी कि मेल जिसमें हम कर सकते हैं तो कितना कैपेसिटी होता है किसी मेल को भेजने के लिए। तो 25 MB तक हम मेल भेज सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। किसी फाइल को स्थायी तौर पर रिसाइकल बिन में भेजे बिना डिलीट करने के लिए खालिस्तान दबाएं, या किसी फाइल को स्थायी तौर पर रिसाइकल बिन में भेजे बिना, यानी कि रिसाइकल बिन में स्टोर नहीं किए बिना जो है डिलीट करने के लिए कौन सा बटन दबाते हैं जो डायरेक्ट डिलीट हो जाता है पूरे तरीके से। तो जो है हम डलाएंगे और दबाएंगे शिफ्ट प्लस डेल, ठीक है, यानी कि डिलीट के, ठीक है। तो उससे जो है जो हम डिलीट करेंगे वो बिना रिसाइकल बिन में जाए वो डिलीट हो जाएगा, ठीक है, रिसाइकल बिन में स्टोर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MPG किस प्रकार के फाइलों का फाइल एक्सटेंशन है? तो MPG किस प्रकार के फाइलों का फाइल एक्सटेंशन है? तो MPG जो है वीडियो प्रकार के फाइलों का एक फाइल एक्सटेंशन होता है MPG। CD ROM है, तो CD ROM क्या है, यानी कि ऑप्टिकल कॉम्पैक्ट डिस्क कहा जाता है इसको, ठीक है, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। तो ये जो क्या है, देखो सेमी कंडक्टर मेमोरी नहीं है, मेमोरी रजिस्टर नहीं है, मैग्नेटिक मेमोरी भी नहीं है CD ROM, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, ऑप्टिकल सॉरी और कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी है, ठीक है, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। DVD है, तो DVD क्या है? DVD जो है डिजिटल वीडियो डिस्क है, ठीक है, डिजिटल वीडियो डिस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खोज इंजन बाइडू कहाँ से है? तो बाइडू जो है वो चीन से है, ठीक है, बाइडू सर्च इंजन जो है वो चीन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। EDP क्या है? तो EDP क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग है। गीगो शब्द का संबंध खालिस्तान से है, तो गीगो शब्द का संबंध किससे है, शुद्धता से है, यानी कि प्योरिटी से है। लेजर प्रिंटर से संबंधित है, लेजर प्रिंटर से संबंधित क्या है, पेज प्रिंटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेब कलर क्रोलर को खालिस्तान भी कहा जाता है। तो वेब क्रोलर को जो है क्या कहा जाता है, और वेब स्पाइडर कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी उत्पाद पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को खालिस्तान कहते हैं? तो किसी उत्पाद पर यानी प्रोडक्ट पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को क्या कहा जाता है? आपको सभी चूंकि प्रोडक्ट में जो है प्रिंटेड लाइंस दिखते हैं, ठीक है, जो कि कोड होता है, ठीक है, उस कोड को क्या कहा जाता है, उस कोड को कहा जाता है बार कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन में सबसे प्रसिद्ध सर्च इंजन निम्न में से कौन सा है? तो चीन में जो है बैदू जो है सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है सर्च इंजन। डेजी व्हील प्रिंटर एक प्रकार का है, तो डेजी व्हील प्रिंटर एक प्रकार का कौन सा प्रिंटर है? डेजी व्हील जो है इंपैक्ट प्रिंटर है एक प्रकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड डॉक्यूमेंट में स्पेलिंग चेक हेतु शॉर्टकट की है। तो MS वर्ड डॉक्यूमेंट में स्पेलिंग चेक करने के लिए जो है कौन सा शॉर्टकट की यूज़ किया जाता है? F7 यूज़ किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। किसी व्यक्ति की पहचान की हेरा फेरी कर
किसी व्यक्ति की गोपनीय सूचना प्राप्त करना किस प्रकार का प्रयास है? तो किस प्रकार का प्रयास है, ये जो है फिशिंग स्कैम कहलाता है। जब किसी व्यक्ति की जो है यानी कि हेरा फेरी, चुपके से जब उसकी प्राइवेसी चेक करते हैं और उसकी प्राइवेसी जान लेते हैं, इस कार्य को कहा जाता है फिशिंग स्कैम। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं। इनपुट और आउटपुट डिवाइस कंप्यूटर से खालिस्तान के माध्यम से जुड़े होते हैं। तो इनपुट और आउटपुट डिवाइस कंप्यूटर से किससे जुड़े होते हैं? पोर्ट से जुड़े होते हैं। ठीक है, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप्स यानी कि JPEG को संक्षिप्त करने के लिए उपयोग होता है। तो JPEG को संक्षिप्त करने के लिए क्या प्रयोग होता है? इमेज का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं। एक्सेल शीट की एक पंक्ति यानी रो छुपाने के लिए शॉर्टकट की है। तो एक्सेल शीट की एक पंक्ति यानी कि एक रो को छुपाने के लिए शॉर्टकट की जो है Ctrl+9 है। ठीक है, अगर Ctrl+9 दबाते हैं एक्सेल शीट में तो एक रो जो है वो हाइड हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वीडियो के तारतम्य से बना होता है। तो एक वीडियो के तारतम्य से क्या बना होता है? फ्रेम बना होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं। निम्न में से अलग कौन है? तो निम्न में से अलग क्या है? इसमें निम्न में से अलग जो है, देखो CD DVD जो है स्टोरेज के लिए जो यूज किया जाता है, और फ्लॉपी डिस्क भी, SD डिस्क भी। ठीक है, तो ये जो है अलग है, बायोस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। एक्सेल शीट की एक पूरी कॉलम स्तंभ का चयन करने हेतु आवश्यक शॉर्टकट की है। तो एक्सेल शीट में पूरी कॉलम सेलेक्ट करने के लिए कौन सा आवश्यक शॉर्टकट की है? तो Shift+ Space Bar। ठीक है, ये जो है शॉर्टकट की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसका सबसे तेज एक्सेस टाइम है? तो सबसे ज़्यादा एक्सेस टाइम किसका होता है? सेमीकंडक्टर मेमोरी का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च गुणवत्ता वाली कैड यानी CAD सिस्टम ड्राइंग और ग्राफ प्रिंट हेतु खालिस्तान डिवाइस का उपयोग किया जाता है। तो कौन से डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? प्लॉटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो ये जो है रीजनिंग के क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। सड़क के किनारे बाड़ पर 27 बंदर बैठे हैं। राजू नाम का बंदर दाएं से 11वें स्थान पर है, बाएं से उसका स्थान क्या होगा? यानी कि टोटल कितने बंदर बैठे हुए हैं? देखो लाइन से जो है 27 बंदर बैठे हुए हैं। टोटल कितने हैं? टोटल 27 है। ठीक है, तो इसमें जो है जैसे कि हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है, इसका जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है? T=L+R-1। अगर आप पेन कॉपी लेकर बैठे हैं तो फॉर्मूला जो है आप लिख लें, इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। इजी है बहुत। ठीक है, तो इसको जो है आसानी से आप बना सकते हैं। ठीक है, आप लिख लें, मुझे थोड़ा ड्रॉ करने नहीं हो रहा है। ठीक है, तो L+R-1। ठीक है, ये जो है फॉर्मूला है। ठीक है, ये जो है फॉर्मूला है। ठीक है, तो हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, कि उसका बाएं से उसका स्थान क्या है? ठीक है, राजू का। देखो टोटल कितने हैं?
27 बंदर हैं और 27 प्लस, और राजू का स्थान क्या है? राजू का स्थान है 11। बाएं से उसका ज्ञात करना है कि वो कौन से स्थान पे है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे अपन, देखो। और फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला जो था, फॉर्मूला था टी यानी कि टोटल इक्वल्स टू एल लेफ्ट प्लस आर यानी कि राइट माइनस वन। ठीक है, तो राजू जो है दाएं से 11वें नंबर पे है, तो माइनस वन हो जाएगा। ठीक है, 11 से एक घटाओ, 11 में से एक घटाओगे तो कितना बचेगा? 10 बचेगा। ठीक है, 10 बचेगा। उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद जो है हम करेंगे, देखो 27, ठीक है, और 10 बचा था। ठीक है, 10 में से अब हम घटाएंगे, ठीक है, 27 में से 10 घटाओ, कितना बचा? 17 बचा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 17 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे और भी एक मतलब कि ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं आप लोग कि 27 में से प्लस कर दें आप एक, उसके बाद 27 में एक प्लस कर देंगे तो आप कितना होगा? 28। ठीक है, 28 हुआ, तो 28 में से जो है 11 को घटा दें, तो 11 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 28 में से 11 घटाएंगे तो 17 बचेगा, तो उसमें से जो है 17 आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 50 छात्रों की कक्षा में दीपक की रैंक सिर्फ में 20 है, तो अंत से उसकी रैंक कितनी है? तो इसमें जो है 50 छात्रों की कक्षा में, यानी कि देखो कभी भी जो है क्या होता है, डिस्टेंस निकालना हो तो व्यक्ति की संख्या से एक ज़्यादा होती है। ठीक है, व्यक्ति से संख्या से जो है डिस्टेंस जो है व्यक्ति की संख्या से एक ज़्यादा होती है, तो 50 प्लस 50 प्लस 51। ठीक है, तो 51 माइनस हम क्या करेंगे, देखो उसका रैंक जो है सिर्फ से 20 नंबर है, तो 51 से 20 को अपन माइनस करेंगे। ठीक है, तो 20 को माइनस करें तो आंसर क्या आएगा अपना? 20 को माइनस किए तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? 30 आ जाएगा ना। ठीक है, 31 आएगा, सॉरी। ठीक है, 31 कहाँ पे है? ठीक है, 31 कहाँ पे है? 31 जो है ऑप्शन बी में है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 31 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पंक्ति में निखिल दाएं छोर से 11वां है और रोहन बाएं छोर से 12वां है, यदि उनके बीच 5 व्यक्ति हैं तब ज्यादा से ज्यादा पंक्ति में कितने व्यक्ति होंगे? तो निखिल जो है दाएं छोर से 11वां है, ठीक है, और रोहन बाएं छोर से 12वां है। ठीक है, तो उनके बीच 5 व्यक्ति हैं, उनके बीच 5 व्यक्ति हैं तब ज्यादा से ज्यादा पंक्ति में कितने व्यक्ति होंगे? देखो इसमें क्या हो रहा है, रोहन, ठीक है, किससे? बाएं छोर से, ठीक है, यानी कि लेफ्ट साइड से, ये कौन से नंबर पे है? 12 नंबर पे है, और ये राइट साइड यानी कि दाएं साइड से निखिल,
है। निखिल जो है कितने नंबर पे है? 11 नंबर पे है। ठीक है, तो इसके बीच में हमको ज्ञात करना है। तो यदि उनके बीच में पांच व्यक्ति हैं, तो पांच व्यक्ति हैं, तो अभी मैंने बताया था एक पांच व्यक्ति यानी कि टोटल व्यक्तियों में से डिस्टेंस जो है एक ज़्यादा होता है। ठीक है, तो पांच में प्लस करेंगे हम एक। ठीक है, पांच में एक जोड़ो तो कितना हो जाएगा? छः हो जाएगा। तो इनके बीच डिस्टेंस क्या हो जाएगा? छः हो जाएगा। ठीक है, तो छः हुआ। तो इसमें हम क्या करेंगे? 12, 6 प्लस 11, इसको जो है हम करेंगे प्लस। ठीक है, 12 प्लस 6 प्लस 11। ठीक है, तो कितना हुआ आप कैलकुलेट करके देखें। ठीक है, 12 प्लस 6 प्लस 11, ठीक है, कितना हुआ? 29 हुआ। ठीक है, 29 हुआ। तो 29 किस ऑप्शन में है? तो 29 जो है इसमें है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अगर समझ आ रहा है तो लाइक बटन जरूर प्रेस करें। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं। एक व्यक्ति यानी कि एक पंक्ति में निखिल दाएं छोर से 11वां है। ठीक है, निखिल जो है दाएं छोर से जो है 11वां है, रोहन जो है बाएं छोर से 12वां है। उनके बीच में पांच व्यक्ति हैं, तब कम से कम व्यक्ति में कितने व्यक्ति होंगे? तो कम से कम पंक्ति में जो है कितने व्यक्ति होंगे? तो इसमें जो है मिनिमम है। ठीक है, मिनिममली पूछा जा रहा है। ठीक है, यानी कि कम से कम पूछा जा रहा है। और पहले वाले क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? ज़्यादा से ज़्यादा पूछा गया था। ठीक है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पूछा गया था। तो इसमें हम कैसे सॉल्व करेंगे? जैसे कि ठीक है, निखिल क्या है? दाएं छोर से। ठीक है, सॉरी, रोहन जो है बाएं छोर से कितने नंबर पे है? 12 नंबर पे है। ठीक है, 12 नंबर पे है। और निखिल जो है निखिल क्या है? दाएं छोर से है। ठीक है, निखिल दाएं छोर से 11 नंबर पे है, यानी कि राइट साइड से वो 11 नंबर पे है। कौन? निखिल। ठीक है, 11 नंबर पे है। तो उनके बीच पांच व्यक्ति हैं। ठीक है, कितने व्यक्ति हैं? उनके बीच पांच व्यक्ति हैं। तो अभी मैंने बताया था उनके बीच जो है पांच व्यक्ति हैं, तो पांच व्यक्ति में से डिस्टेंस क्या होगा? पर पर्सन से जो है एक डिस्टेंस जो है टोटल पर्सन से एक ज़्यादा होता है। तो उसमें पांच व्यक्ति हैं, पांच पर्सन हैं, तो उसमें एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? छः हो जाएगा। ठीक है, छः हो गया। तो उसमें हम क्या करेंगे? तो अब हम करेंगे हाँ, तो इसमें क्या हो जाएगा? मिनिमम है ना, कम से कम है। तो ठीक है, तो इसमें जो है L इक्वल्स टू 12 माइनस 6। ठीक है, ये जो डिस्टेंस है निकला है उसको 12 में से यानी कि लेफ्ट साइड से जो अपना 12 है, ठीक है, तो उसको क्या करेंगे? घटा देंगे, तो बचा कितना? 6 बचा। ठीक है, तो 6 और 11 को हम करेंगे प्लस। ठीक है, तो प्लस किए तो 6 और 11 कितना हुआ? 6 और 11 कितना हुआ? 17 हुआ। ठीक है,
17 हुआ 6 और 11, तो टोटल डिस्टेंस जो है पर्सन की संख्या से एक कम होती है, ठीक है, एक कम होती है। तो इसमें क्या हो जाएगा, हम क्या करेंगे, 17 से एक को माइनस कर देंगे, ठीक है, तो बचा कितना, 16, ठीक है, बचा कितना, 16। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, 16। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लड़कों की एक पंक्ति में रवि बाएं छोर से 9वें स्थान पर है और प्रवीण दाएं छोर से 5वें स्थान पर है। यदि रवि और प्रवीण के बीच 7 लड़के हैं तो पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं। तो इसमें क्या है, लड़कों की एक पंक्ति में रवि जो है बाएं छोर से किसने 9वें स्थान पर है, तो प्रवीण दाएं छोर से 5वें स्थान पर है, ठीक है। तो यदि रवि और प्रवीण के बीच 7 लड़के हैं तो बीच में कितने हैं, 7 लड़के हैं, यदि तो पंक्ति में कुल कितने लड़के होंगे। तो इसमें क्या है, रवि, ठीक है, रवि जो है बाएं छोर से 9वें स्थान पर है, ठीक है, और प्रवीण, ठीक है, प्रवीण जो है दाएं छोर से 5वें स्थान पर है, ठीक है, और बीच में कितने, 7 लड़के हैं, तो एक मतलब कि टोटल व्यक्तियों में से, टोटल पर्सन में से डिस्टेंस एक ज़्यादा होता है, तो 7 में 8 जोड़ेंगे कितना बचे, तो एक जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, ठीक है, 7 में 8 जोड़ेंगे, 7 में 1 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, ठीक है, तो ये हुआ 8, ठीक है। तो इसको प्लस करते हैं, ठीक है, 9 प्लस 8 प्लस 5, तो कितना हुआ, 22 हुआ। आप जोड़ के देखिए, 9 प्लस 8 प्लस 5 कितना हुआ, 22 हुआ, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, एक घटाएंगे, ठीक है, एक घटाएंगे तो कितना बचा, 21 बचा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 21, ठीक है, यानी कि रवि और प्रवीण के बीच 7 लड़के हैं तो पंक्ति में कुल कितने लड़के होंगे, 21 लड़के होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, एक पंक्ति में 39 कलम है, लाल कलम बाई छोर से 9वीं है और हरी कलम बाईं छोर से 21वीं है, लाल तथा हरी कलम के मध्य कितनी कलमें हैं, तो कितनी कलमें होंगी, तो टोटल जो है, यानी कि रेड कलम हम देख लेते हैं, रेड कलम जो है यानी कि लाल कलम बाईं छोर से, ठीक है, ये हो गया रेड, और ये बाईं छोर से कौन से स्थान पर है, 9वें स्थान पर है, ठीक है, और ऐसे भी जो है हरी कलम भी जो है वो बाएं स्थान, बाएं साइड से ही है, ठीक है, तो ग्रीन कलर भी जो है बाएं साइड से है, ठीक है, ग्रीन कलर जो है बाएं साइड से है, ठीक है, कौन से नंबर पे, 21 नंबर पे, ठीक है, 21 नंबर पे है। उसके बाद इसमें क्या होता है, इसमें जो है इसमें हम क्या करेंगे, देखो जो बड़ी संख्या है, यानी कि बड़ी संख्या क्या है हमारी, 21 है, तो बड़ी संख्या को छोटी संख्या से हम जो है घटा लेंगे, ठीक है, तो 21 माइनस क्या हो जाएगा, 9, तो बचा कितना, 12,
ठीक है, बचा कितना? 12 बचा। उसके बाद 12, देखो प्रति जो पर्सन के हिसाब से डिस्टेंस कितना होता है, एक ज़्यादा होता है, तो उसमें जो है हम 12 को 12 माइनस एक करेंगे। ठीक है, 12 माइनस एक करेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, 12 माइनस एक में 11 हो जाएगा। ठीक है, 12 से एक हटाए तो कितना बचा, 11। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चींटी 3 मीटर चलती है और फिर 4 मीटर ऊंचे एक वृक्ष पर चढ़ती है, तो अपने मूल स्थान से वह कितनी दूरी पर है? देखो, एक चींटी, ठीक है, 3 मीटर चलती है, ठीक है, 3 मीटर चली, फिर 4 मीटर ऊंचे वृक्ष में चढ़ती है, यानी कि ये ऊंचा वृक्ष है तो इसमें जो है 4 मीटर चढ़ी। ठीक है, तो मूल स्थान से वह कितनी दूरी पर है? तो मूल स्थान से कितनी दूरी पर है ये हमको ज्ञात करना है। तो इसमें जो है, इसमें 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, इसमें जो है 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है और इसको कहा जाता है कर्ण। ठीक है, कर्ण कहा जाता है। ठीक है, तो कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? कर्ण का फॉर्मूला होता है तो इसमें क्या हो जाएगा, कर्ण का जो मान होता है, कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, लंब का स्क्वायर। ठीक है, ये लंबा है, ठीक है, लंब का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, 16 हो जाएगा प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, ये आधार है तो 3 स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, है ना। तो 16 प्लस 9 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 प्लस 9 करेंगे तो हो जाएगा अपना 25। ठीक है, 16 प्लस 9 25 हो जाएगा। तो 25 का मान कितना है, तो 25 का मान है 5। ठीक है, 5 है, तो एक चींटी 3 मीटर चलती है फिर 5 मीटर ऊंचे एक वृक्ष में चढ़ती है, तो अपने मूल स्थान से कितनी दूरी पर होगी, 5 मीटर पर होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? तो नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? देखो, इसमें जो है हम ऐसे देख सकते हैं कि 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। ठीक है, इसमें जो है मल्टीप्लाई किया गया है, 2 2 मल्टीप्लाई। ठीक है, तो इसके स्थान पर, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा नंबर होगा ये हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसमें इधर से हम देखें तो इसमें क्या क्या गया है, इसमें जो है 5 में हम 7 जोड़ेंगे तो 12 होगा। ठीक है, 5 में अगर 7 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 5 में 7 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 12 होगा। ठीक है, तो अगर हम 12 में 7 जोड़ेंगे, ठीक है, 12 में 7 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 19 होगा। ठीक है, और 19 में हम जोड़ेंगे 7 तो कितना होगा, 26 होगा। ठीक है, तो इसमें जो है कितना नंबर आएगा, 19 नंबर आएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 19। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दी गई श्रम का यानी नीचे दी गई प्रश्न का सही वेन आरेख बताइए। तो वेन आरेख का मतलब होता है उनके बीच संबंध। घोड़ा, बंदर और बाघ दिया गया है, ठीक है। तो घोड़ा, बंदर, बाघ जो है जानवर होते हैं, ठीक है, अलग अलग प्रकार के जानवर होते हैं, इसमें किसी प्रकार का संबंध नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा? हम घोड़ा, ये तीनों जानवर हैं, ठीक है, थीके? तो इसको अलग अलग सर्कल से हम दिखा सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, नीचे दी गई श्रृंखला में अगला संख्या क्या होगा? तो नीचे दी गई श्रृंखला में अगला संख्या क्या होगा? देखो, ज़्यादा ज़्यादा नंबर देख के कंफ्यूज हो जाते हैं और ना कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं या सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो देखो, इजी होता है इसमें जो है, हम देखते हैं, देखो 5, 8, 9, 6, 5, 4, 2, 3, 7 दिया हुआ है, ठीक है। इसमें क्या हुआ है, देखो 8, 9, 6, 5, 4, 2, 3, 7, इसमें से इसमें क्या अलग दिख रहा है आपको? देखो, बाकी जो संख्या है सेम है, ठीक है, बाकी इसमें क्या लिखा नहीं गया है, इसमें 5 को छोड़ दिया गया है, 5 नहीं लिखा गया है, ठीक है, 8 से स्टार्ट कर दिया गया है डायरेक्ट। तो इसमें क्या किया गया है, इसमें हम देखते हैं 8, 9, 6, 5, 4, 2, 3, ये ऐसा दिया है नंबर, ठीक है। तो इसमें कौन सा नंबर नहीं लिखा है? इसमें जो है 7 नंबर को छोड़ दिया गया है, बाकी जो है बाकी नंबर लिखा गया है, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं, आगे जो है 9, 6, 5, 4, 2, 3 लिखा गया है, ठीक है, इसमें कौन सा नंबर नहीं लिखा गया है? तो इसमें जो है 8 नंबर नहीं है, ठीक है, 8 नंबर को छोड़ के बाकी सारे नंबर हैं, ठीक है। तो इसमें अगला नंबर क्या हो सकता है, आप ही बताओ, आप ही बताओ कि इसका अगला नंबर क्या हो सकता है। इजी क्वेश्चन है, जैसे कि इसमें जो है 8 को छोड़ा गया है, ठीक है, तो अगले नंबर में किसको छोड़ेंगे? 3 को छोड़ा जाएगा, ठीक है। तो 9, 5, 9, 6, 5, 4, 2 यही नंबर आएगा, ठीक है, 9, 6, 5, 4, 2 ये नंबर आएगा। तो ये जो नंबर है वो कहाँ पर है, कौन से ऑप्शन में है? 9, 6, 5, 4, 2, ये जो है ऑप्शन डी में है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप सॉल्व कर लेना। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, यदि 5 जनवरी 2013 को गुरुवार रहा हो, तो 5 मार्च यानी कि 2 मार्च 2013 को कौन सा दिन था? यदि 30 जनवरी 2013 को, ठीक है, गुरुवार रहा हो, तो 2 मार्च 2013 को कौन सा दिन था? तो हम जो है कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो जनवरी में जो है 31 दिन होते हैं, ठीक है, 31 दिन होते हैं जनवरी में, ठीक है। तो टोटल जो है 31 दिन होते हैं, तो इसमें बोला जा रहा है 30 दिन, 30 जनवरी, ठीक है। तो 30 दिन जो है बीत गए, तो बचा कितना हमारे पास? 1 दिन बचा, ठीक है, 1 दिन बचा। और फरवरी में 28 या 29 दिन का होता है, फरवरी जो है 28 या 29 दिन का होता है, सभी को पता होगा। तो इसमें जो है कौन सा दिन जो है हम लोग को जो है 3 बताना है, ठीक है। तो फरवरी में 28 या 29 दिन का होता है, ठीक है। और लीप ईयर जो होता है, लीप ईयर में फरवरी 29 दिन का होता है। लीप ईयर कैसे पता करेंगे? जैसे कि 4 से पूरा पूरा भाग चला जाता है, ठीक है, जैसे कि 2012, 2016, 2020 जो है ये लीप ईयर दिन होता है, क्योंकि ये जो है 4 से पूरा भाग चला जाएगा। लेकिन 2013 जो है, 2013 लीप ईयर नहीं है, तो कौन सा महीना रहेगा? फरवरी का 28 दिन का महीना रहेगा, ठीक है, 28 दिन का महीना रहेगा। तो जनवरी का 1 दिन प्लस 28 दिन, ठीक है, 28 दिन प्लस मार्च का 2 दिन, ठीक है, 2 मार्च कहा जा रहा है। तो
इसको प्लस करेंगे तो कितना होगा, 28, 2, 30 और 1, 31 होगा, 31 होगा, ठीक है। तो 31 को भाग देंगे, ठीक है, 31 को हम भाग देंगे, ठीक है, 7 चौक 28 होगा, ठीक है, 7 चौक 28, ठीक है। तो 31 में 28 गया तो कितना बचा, 7 चौक 28, तो बचा 3, ठीक है। 3 को जो है हम क्या करेंगे, देखो गुरुवार, 30 जनवरी को गुरुवार रहा, ठीक है, गुरुवार में हम 3 को जोड़ देंगे, ठीक है, 3 को हम जोड़ देंगे, तो गुरुवार में एक हम जोड़ेंगे, एक दिन हम जोड़ेंगे तो शुक्रवार होगा, तो दूसरा हम दिन जोड़ेंगे तो शनिवार होगा, और तीसरा हम दिन जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, गुरुवार में, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार होगा, ठीक है, ये है गुरुवार, ठीक है। गुरुवार में हम 3 दिन जोड़ रहे हैं, ठीक है, तो गुरुवार के 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा, यानी कि गुरुवार में 1 दिन जोड़े तो ये शुक्रवार, शनिवार और ये रविवार, ठीक है, तो कौन सा दिन होगा, 2 मार्च को रविवार होगा, ठीक है। तो ये था आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो एग्जाम में पूछा जाएगा, आशा करती हूँ आपको समझ आया होगा, इन्फॉर्मेटिव रहा होगा आपके लिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा, और ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन के साथ।